बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फजल रहीम एंड यू आर वाचिंग फजल एकेडमी। लॉज रिलेटेड टू गैसेस, आज का हमारा टॉपिक है लॉज रिलेटेड टू गैसेस। इसमें हम गैसेस से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको डिस्कस करेंगे। अ सैंपल ऑफ अ गैस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय फोर वेरिएबल। किसी भी गैस को हम चार वेरिएबल के थ्रू कैरेक्टराइज कर सकते हैं। नंबर वन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्वांटिटी, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। द रिलेशनशिप दैट एक्सप्रेसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर विद द टू वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट आर कॉल्ड गैस लॉ। तो ये गैस लॉ की डेफिनेशन है कि जब भी हम एक वेरिएबल का इन्फ्लुएंस दूसरे वेरिएबल पे पढ़ते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस है, जबकि बाकी दो वेरिएबल्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट एक दूसरे पे चेक कर रहे हैं तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट होंगे। इसी तरह अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं एक दूसरे पे तो प्रेशर और मोल्स जो हैं वो कांस्टेंट होंगे। और इसी तरह बाकी भी कोई भी दो वैल्यूज का इफेक्ट हम एक दूसरे पे देखेंगे तो बाकी दो वेरिएबल्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। तो ये हमारे पास गैस लॉ। डू यू नो अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ गैसेस दैट प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड प्रेशर नेसेसरी टू सपोर्ट लाइफ। जिस तरह हमारा चैप्टर चल रहा है स्टेट ऑफ मैटर और हमारा टॉपिक जो है मेन वो है गैसेस के हवाले से, तो हमारा जो हमारी अर्थ जो है वो एटमॉस्फेयर रखती है और एटमॉस्फेयर में जो है वो बहुत सी गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है जो हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, इसके अलावा प्रेशर जो लाइफ को सपोर्ट करता है, इसके अलावा एटमॉस्फेरिक गैसेस मॉडरेट टेम्परेचर, जो गैसेस हैं वो टेम्परेचर भी मॉडरेट यानी बैलेंस रखती हैं टेम्परेचर को, ओजोन शील्ड लिविंग थिंग्स ऑन द सर्फेस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और एटमोसफेयर में ओजोन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अल्ट्रावायलेट रेज या रेडिएशन से महफूज रखती है। इन कंट्रास्ट द मून हैज नो एटमोसफेयर। मेन चीज़ क्या है कि मून पे कोई एटमोसफेयर नहीं है, जैसे अर्थ पे एटमोसफेयर है, गैसेज हैं, प्रेशर है, दूसरी चीज़ें और लाइफ को सपोर्ट कर रही हैं, इस तरह मून पे कोई एटमोसफेयर मौजूद नहीं है। When a balloon is filled with air, it expands. Why? जब भी हम बैलून को एयर से फिल करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, ऐसा क्यों है? Air molecule are free to move inside their container. For example, हम एयर को किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो एयर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं, क्यों? देर इज नो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल, क्योंकि कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स नहीं है। एज अ रिजल्ट गैस एक्सपेंड अंटिल इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। तो गैस क्या करती है, फ्रीली मूव करती है, एक्सपेंड करती जाती है जब तक वो कंटेनर का शेप अटेन नहीं कर लेती। इसी तरह एयर एक्सपेंड्स टू फिल द इंटीरियर ऑफ बैलून इवनली। तो जब भी हम एयर बैलून के अंदर डालते हैं तो वो भी एक्सपेंड करती है और जिसकी वजह से जो है वो बैलून भी जो है वो फिल होके एक्सपेंड हो जाते हैं। तो ये इसका आंसर है। गैस लॉ में सबसे पहले हमारे पास है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। यानी कि वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास अप्लाइड प्रेशर के, लेकिन साथ में दो कंडीशन है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे एट गिवन टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी हमारे पास चेंज नहीं होगा। तो जैसे हम पहले गैस लॉ में पढ़ चुके थे कि हम दो वेरिएबल्स को देखते हैं, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर को देख रहे हैं, जबकि बाकी दो वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे पास कांस्टेंट रहते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा। तो रिलेशनशिप देख लेते हैं। This means an inverse relationship exists between volume and pressure. तो volume और pressure के दरमियान inverse relation है. So V inversely proportional to T या V directly proportional to 1/T. तो
इसे हम दोनों तरह से रीड कर सकते हैं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर p या v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। अब प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हम इक्वल और k लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है v इज इक्वल टू k बाय p यानी k डिवाइड बाय p। और अगर प्रेशर जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी PV is equal to K is equal to constant, K हमारे पास जो है वो एक constant है। तो ये हमारे पास जो है relation, ये हमारे पास Boyle's law का relation आ गया, जिससे हम कहते हैं VP is equal to K। अब एक दूसरा relation देख लेते हैं। For example हमारे पास P1 V1 is equal to K है, यानी कि हमारे पास initial pressure P1 था और initial volume V1 था। अब हम क्या करते हैं, प्रेशर को चेंज करते हैं तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो हमारे पास नया प्रेशर जो होगा वो होगा P2 और नया वॉल्यूम होगा V2, और P2 और V2 भी इक्वल होंगे K के। तो चूंकि बॉयज लॉ है PV इज इक्वल टू K, तो P1 V1 इज इक्वल टू K, P2 V2 इज इक्वल टू K। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों जो है वो K के इक्वल है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि P1 V1 is equal to P2 V2। तो हमारे पास ये एक बॉयज लॉ का एक्सप्रेशन आ गया कि हमेशा पहला प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगा प्रेशर चेंज होने के बाद, यानी जब हम प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो फर्स्ट प्रेशर और वॉल्यूम इक्वल होगा सेकंड प्रेशर और वॉल्यूम के। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस फिल्ड हुई है और ऊपर इस पे 2 atm का प्रेशर है। प्रेशर हमारे पास 2 atm है जबकि इसका वॉल्यूम जो है 1 dm³ है। अब हम क्या करते हैं कि हम ऊपर इसके प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो प्रेशर जब 4 किया तो वॉल्यूम जो है वो 0.5 हो गया। इसी तरह हम मजीद इंक्रीज करेंगे प्रेशर 6 atm, तो वॉल्यूम मजीद कम हो जाएगा, मजीद प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मजीद वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम चारों कंटेनर में तो बॉयज लॉ अप्लाई करें चारों कंटेनर्स पे, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 atm³। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी। अगर पहले देखें P1 V1 फर्स्ट कंटेनर का, तो 2 × 1 = 2 सेकेंड है, 4 × 0.5 = 2 इसी तरह 6 और 8 का भी। तो हमारे पास चारों कंटेनर का जो आंसर है यानी के की वैल्यू है वो चारों की सेम आई, तो इस तरह हमारे पास बॉयज लॉ प्रूव भी हो जाता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 और P4 V4। तो सारे आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, जैसे हम पिछली स्लाइड में रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं इसका। तो ये था हमारे पास बॉयज लॉ। तो आपके पास कोई भी इक्वेशन न्यूमेरिकल्स या वैल्यूज पूछी जा सकती हैं आपसे, तो आपने सिंपल जो है वो फॉर्मूला लगा देना है PV इज इक्वल टू K, अगर सिंगल वैल्यूज भी हो प्रेशर और वॉल्यूम की, और अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज भी हो तो आप लोग फार्मूला लगाएंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और फिर वैल्यूज पुट कर देंगे तो जो चीज़ आपको चाहिए होगी उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास सेकंड लॉ जो है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगेन वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है ये भी बताऊंगा। और अगेन यहाँ पे कंडीशन दी हुई है गिवन मास यानी नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे एंड कांस्टेंट प्रेशर, ये प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। तो दो वेरिएबल का रिलेशन हम देखेंगे जबकि बाकी दो वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, प्रोपोर्शनैलिटी जगह इक्वल और k आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू kt, और जब t हमारे पास दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो v डिवाइड बाई t इज इक्वल टू k, तो हमारे पास कांस्टेंट जो है वो v डिवाइड बाई t होगा, यानी जब भी v और t को डिवाइड किया जाएगा तो आंसर हमारे पास सेम आएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास V1 डिवाइड बाय T1 है, यानी पहला वॉल्यूम और पहला टेम्परेचर वो K के इक्वल है,
अब हम जो है टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर टी टू हो जाएगा और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा जो कि वी टू होगा, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आएगी वी टू डिवाइड बाई टी टू इज इक्वल टू के। तो दोनों वैल्यूज जो है वो के इक्वल हैं, तो आपस में भी दोनों इक्वल होंगी, तो हम देख सकते हैं कि वी वन डिवाइड बाई टी वन इज इक्वल टू वी टू डिवाइड बाई टी टू। तो ये हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन आ गया चार्लस लॉ का। तो दोनों तरह से हम चार्लस लॉ को लिख सकते हैं, एक v डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू के और दूसरा v1 डिवाइड बाई टी वन इज इक्वल टू v2 डिवाइड बाई टी टू। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की मैंने बात की थी, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है जब भी हम टेम्परेचर को केल्विन यूनिट में लिखेंगे तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और यहाँ पे भी जब हम वैल्यू डालेंगे टेम्परेचर की किसी भी इक्वेशन में तो हम वो वैल्यूज जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड की नहीं डालेंगे बल्कि हम वैल्यू डालेंगे केल्विन में, यानी टेम्परेचर को पहले हम चेंज करेंगे केल्विन में अगर वो चेंज नहीं हुआ तो। तो कैसे चेंज करना है, तो टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। फॉर एग्जाम्पल हमें डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया है तो हम उसमें 273 को ऐड करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इस टेम्परेचर को जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये है कन्वर्जन के किस तरह से हम जो है वो टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे में जो हमें रिक्वायर्ड होगा। क्वेश्चन यहाँ पे अब आपके लिए एक क्वेश्चन दिया मैंने चार्ल्स लॉ के हवाले से। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक फ्रिक्शनल पिस्टन है और यहाँ पे आप देखें तो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वॉल्यूम आपको दिया है 50 cm क्यूब। तो हम जो है इसको हीट करके इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अब हमारे पास टेम्परेचर है 100 और वॉल्यूम हो गया है 62.5। तो क्या इस पे चार्ल्स लॉ अप्लाई हुआ है या हो सकता है या नहीं, तो ये आपने प्रूव करना है। जो हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी है टी वन डिवाइड बाई वी वन, वी वन डिवाइड बाई टी वन इज इक्वल टू वी टू डिवाइड बाई टी टू, वो इक्वेशन अप्लाई करनी है और अगर आंसर सेम आता है तो मतलब यहाँ पे चार्ल्स लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है, और अगर आंसर सही नहीं आता तो आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता दूँ यहाँ पे आंसर सेम आएगा और सेम आना भी चाहिए। एक और चीज, टेम्परेचर को पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो टेम्परेचर को आपने जो है वो चेंज करना है केल्विन में। तो ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ। Thanks for watching. Please like, subscribe, and don't forget to press the bell icon for more informative and video lectures. Stay tuned. Allah Hafiz.